बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कयूम फ्रॉम FEI नवगाम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, and today we will discuss about solubility and concentration. And today's is the lecture number 9 of this chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. Aaj is chapter ka lecture number 9 hai. Wo topic jo hum aaj discuss karne ja rahe hain wo solubility and concentration hai. Dear students, in previous lecture, that means saturated and unsaturated solutions, saturated solution को की जो definition मैंने आपको बताई, वो मैंने आपको उसमें मैंने आपको बताया कि उस solution में means कि saturated solution में solute और dissolve नहीं होता है, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स कि ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें और सोल्यूट ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजॉल्वड होती है और उसके बाद अब सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, यह है सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी होती है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर सो दैट द सोल्यूशन इज बिकम सैचुरेटेड सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड ए सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट at that temperature in that solvent. So we will now discuss what is solubility. Solubility, the number of grams of a solute dissolved in 100 grams of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. अब यहाँ पे जो maximum quantity of solute dissolved होती है किसमें? सोल्यूशन में, सो दैट द सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन इसके लिए हमने एक स्केल बनाई है कि हम लेते हैं यानी सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी, सॉल्वेंट की का जो अमाउंट वो 100 ग्राम्स हम लेते हैं। नहीं, एक स्केल है ये कि 100 ग्राम्स हम लेते हैं, इसी में हम ये देखते हैं ये कि कितना सोल्यूट इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कितना डिजॉल्व हो जाएगा सो दैट द सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, इट इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। तो डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की जो क्वांटिटी वो भी हम ग्राम्स में लेते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अगर हम डियर स्टूडेंट्स हम ये सॉल्वेंट लेंगे वाटर, ठीक, एक बीकर में हमने वाटर लिया, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मिकदार है वाटर का, वो आपको लेना है 100 ग्राम्स। मीन्स कि हमने एक बीकर में वाटर लिया, हाउ मच? 100 ग्राम्स। ओके, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, ठीक, शुगर तो डिजॉल्व होता रहेगा, तो एक स्टेज आएगा कि यानी अब शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन नाउ बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें जो जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा, जितना शुगर डिजॉल्व हो जाएगा, उसको सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर कहते हैं एट
पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है रूम टेम्परेचर पे, यानी जो टेम्परेचर उस वक्त होगा। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हम शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, हम यानी थोड़ा एक्सप्लेन इसको करना चाहते हैं। हम एक बीकर में 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लेंगे, ओके। अब वाटर सॉल्वेंट है, ठीक। अब इसमें हम सोल्यूट ऐड करेंगे, सोल्यूट हम यहाँ पे शुगर लेंगे, ठीक। तो सोल्यूट या शुगर, हमने सोल्यूट लिया वो हम ऐड करते हैं किसमें, इस बीकर में जिसमें वाटर 100 ग्राम्स है। तो ये सोल्यूट यानी शुगर डिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन एक स्टेज आएगा अगर आप फिर सोल्यूट यानी शुगर ऐड करोगे लेकिन वो अब डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। अब सोल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर। तो सोल्यूशन क्या बन गया, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें जितनी क्वांटिटी, लेकिन ग्राम्स में हमें लेना है सोल्यूट, जितना वो डिजॉल्व हो जाएगा 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम्स ऑफ हमने वाटर लिया यहाँ पे, तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और एक डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ ये सॉल्युबिलिटी की। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होती है क्योंकि अब उसमें और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट जितना डिजॉल्व हो जाएगा किस में, 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट में, तो एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन हम देंगे, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट इन दैट टेम्परेचर। स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। तो यहाँ पे रिपीट हुआ है कि एट दैट टेम्परेचर, लेकिन हमने ऊपर ही पहले मेंशन किया कि स्पेसिफाइड टेम्परेचर, तो यानी दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है एट दैट टेम्परेचर, ये जरूरी नहीं है कि। अब तो फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करना चाहूँगा, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। तो यहाँ पे मैं आपको आपको एग्जाम्पल एक देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब हमने बात की, ये भी देखा गया कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर जब हम लेते हैं, अगर हम उसमें सोल्यूट यानी सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व करते हैं, वो 36 ग्राम्स डिजॉल्व होता है किसमें, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। दैट मीन्स हमने सॉल्वेंट लिया वाटर 100 ग्राम्स, ओके। अब इसमें हमने कितना ये सोडियम क्लोराइड ऐड किया, 36 ग्राम्स, वो डिजॉल्व होता है। अब इसके बाद यानी और सोडियम क्लोराइड इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड की जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है वो 36 ग्राम्स है। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अ मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मूला है वो है NaCl, कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं उसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, इट मीन्स दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज 36 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको याद रखना, ये डेफिनेशन रही किसकी, सॉलिबिलिटी की। लेकिन इसमें मैंने एक यहाँ पे एक नोट भी मेंशन किया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी क्या पड़ता है, यानी सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि यानी हम सॉल्वेंट यानी सोल्यूट हम सॉलिड भी ले सकते हैं या लिक्विड भी ले सकते हैं सोल्यूट, लेकिन अगर सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, मीन्स वाटर, इन मेजॉरिटी केस हम लेते हैं वाटर सॉल्वेंट, और वाटर जो ये सॉल्वेंट है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या क्या है, वाटर। तो यूजुअली हम लेते हैं सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड, दैट मीन्स वाटर हम लेते हैं सॉल्वेंट।
इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे इफेक्ट क्या पड़ता है किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखा गया कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट्स इन लिक्विड्स इंक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स उस सॉल्वेंट में सोल्यूट और डिजॉल्व हो सकता है। ठीक, तो डिजॉल्व उसमें और सोल्यूट हम डिजॉल्व कर सकते हैं, ऐड और भी हो जाएगा उसमें सोल्यूट। तो इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। बट चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर, तो इस पे इससे सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, जब सॉलिड सोल्यूट हो और लिक्विड यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉलिड सोल्यूट हो, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो टॉपिक है, ये जो मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो आज का टॉपिक है वो है सॉलिबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन क्या होता है ये भी इसी में हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप तो ये मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक आपको देना चाहता हूँ कि अगर हम ये शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक, हमने एक बीकर में शुगर सॉल्यूशन बनाया, हमने दो बीकर्स लिए, एक बीकर में भी हमने शुगर सॉल्यूशन बना लिया, दूसरे बीकर में भी हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया। लेकिन एक बीकर में शुगर की क्वांटिटी कम थी। ठीक, वो भी शुगर सॉल्यूशन है लेकिन उसमें सॉल्यूट यानी ये शुगर की क्वांटिटी कम है। लेकिन जो दूसरा बीकर है उसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब है जिस बीकर में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट मीन्स सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, उसको हम कंसेंट्रेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये भी आपको ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर हम ये जो नमकीन चाय पीते हैं तो आपके पास दो थर्मोस फ्लास्क हैं। ठीक, तो उनका जो वॉल्यूम जो है वो सेम है। आप फॉर एग्जांपल उसमें आपने 1 लीटर चाय ली एक थर्मस फ्लास्क में, और दूसरी थर्मस फ्लास्क में भी यानी 1 लीटर चाय नमकीन चाय ली, लेकिन एक थर्मस फ्लास्क में नमक की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, नमक का मिकदार ज्यादा है, जो दूसरी फ्लास्क है उसमें नमक की क्वांटिटी कम है, नमक का अमाउंट कम है। तो इसका मतलब जिस ये कैटल में जिस थर्मस फ्लास्क में नमक यानी सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम कंसेंट्रेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट्रेटेड। और जिसकी जिसमें नमक की क्वांटिटी दैट मीन सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन की। अब हम डेफिनेशन देते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन, यानी कितनी क्वांटिटी हो सोल्यूट की इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन में, यानी सोल्यूशन में कितनी क्वांटिटी हो किसकी, सोल्यूट की, तो इसी को कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। इसी को कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन है, तो अगर एक सोल्यूशन में यानी सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। अगर ने दूसरा सोल्यूशन भी हो उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो उसको हम कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यानी सोल्यूट की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो उसको हम कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, और अगर सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम डिटरमाइन करते हैं, यानी ये बाय टू मेथड्स और बाय टू वेज। एक है मास परसेंटेज एंड सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन ये जो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज है इसकी डेफिनेशन, और इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी इस पे हम करेंगे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स यानी न्यूमेरिकल्स इसके
लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। न्यूमेरिकल से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, और डेफिनेशन मैम भी हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।